कैलाशपति जो बैठे हैं अरावली पर्वत की चोटी पर। मानो यहाँ पे ये साक्षात विराजमान हो। यहाँ के गांववासी और पुजारी जिनकी पीढ़ी दर पीढ़ी सेवा करती आ रही है, ये बताते हैं कि जब सृष्टि की संरचना हुई तब से ये यहाँ पर है। वरना शिवलिंग ऐसे कौन गुफा में स्थापित कर पाता जहां पहुंचना ही दुर्गम है। तो जानना चाहते हैं आप ये कहां पर स्थित है, जिसके लिए जाती हैं पूरी 694 सीढ़ियां। इस पहाड़ को देखोगे, कुछ पत्थर ऐसे भी नजर आएंगे जो पता नहीं कैसे खड़े हुए हैं या डटे हुए हैं। इस पर्वत के एक एक पत्थर पर जय श्री राम, ओम नमः शिवाय निकल रहो ऐसा प्रतीत हो रहा था। तो चलिए आपको लेके चलते हैं इस कैलाशपति, जहां सीता माता भी विराजमान है, की गुफा में। राम सर सभी को, खम्मा गणी सर, राजस्थान मेरा देश मेरा भारत। तो दोस्तों आज मैं जा रहा हूँ सामदा गांव, जो कि अलवर से पता नहीं शायद 40-45 किलोमीटर होगा। वहाँ पे हैं पहाड़ पे स्थित कैलाशपति। इस भाई ने कमेंट किया, इनके कमेंट की वजह से हम जा रहे हैं वहाँ पे। देखते हैं कितना टाइम लगता है यहाँ। मेरा घर बस स्टैंड से 5 किलोमीटर है, तो जितने भी डिस्टेंस हो आप उसमें 5 किलोमीटर प्लस कर लेना। तो भाई मैं इसको कर लेता हूँ 0। यहाँ से देखेंगे कितना है, अब 12:26 का टाइम हो रहा है। तो जय श्री राम, जय भोलेनाथ। अंदर चलो बेटा, अंदर चलो। तो मैं निकला अलवर से बहरोड के रास्ते पर, और मुझे ये डिस्टेंस पड़ने वाली थी टोटल 44 किलोमीटर। तो लगभग 42 किलोमीटर चलने के बाद सामदा गांव का गेट आ चुका था, जहां से कैलाशपति रह गए थे सिर्फ 1 किलोमीटर। लो भाई जी हम आ गए, 1:28, 38.95। इसमें जोड़ लोगे तो ये 44 किलोमीटर पड़ता है अलवर शहर से। प्राकृतिक प्राचीन शिवलिंग एंड गुफा मंदिर सामदा धाम। दोस्तों मैं ना फाइनल उस गेट पे पहुंच चुका हूँ। ये मेरे पीछे देख लो, ये वो गेट है जहाँ से ये गुफा चलेगी। लगभग 665 सीढ़ी है, 665। और भैया बता रहे हैं यहाँ के कि आधा घंटा लगेगा ऊपर चढ़ने में। चलिए चलते हैं, आपको दिखाते हैं अलवर में कुछ हटके। बाबा कहीं खेल, बाबा यार कहीं गेम को कहीं खेल, कहीं खेल। मैंने चौपड़ कहीं साहब। चौपड़? हाँ जी। यहाँ बहुत चलती होगी यार। हाँ हाँ। अच्छा अच्छा, ये वही दिखे यार, लूडो। हाँ लूडो, वाह वाह। हाँ। जो गांव में महाभारत में। हाँ वाह वाह वाह। यहाँ पे लिखा हुआ है प्राचीन शिवलिंग एंड गुफा मंदिर सामदा धाम। सामदा जगह गाँव का नाम है। चलते हैं भोलेनाथ, आज आपने बुला लिया। चलो जय शंकर की। देखो लिखा भी हुआ है, धूना स्थल है, और यहाँ से सीढ़ियों के नंबर लिखे हुए हैं। तो भाई गेट रेडी, चढ़ने के लिए तैयार हो जाओ। और धूप ना लगे ना, इसलिए देखो यहाँ पे ये भी लगाया हुआ है कवर। सर्दियों में तो खैर दिक्कत नहीं होती, लेकिन गर्मियों में दिक्कत हो जाएगी। भाई पत्थर देखो आप, कितने बड़े बड़े पत्थर हैं, और यहाँ पे भी बना हुआ है। चल भाई कुछ दिखाना है, देखो भाई ये तो ख़त्म ही नहीं हो रही। चलो भाई, ये बहुत मिलते हैं हर जगह। ये अद्भुत पत्थर देखो भाई, राम लिखा हुआ है। अब देखो ये पत्थर। आंटी आपसे पहले मैं जाऊंगा ऊपर। हमारे प्रसाद का भोग तो इस बंदर ने लगा दिया, छीन लिया भाई उससे। आ रहा है भोग लग गया भाई। चलो ये देख, ओह
तेरी फोन मत छीन लीजिए बस। 508 हालत हो गई है खराब। और ये पत्थर देखो चट्टाने है ना, कह दो यहाँ बसे वहाँ दे वहाँ जाना है। चलो भाई गणेश चल 695 सीढ़ियाँ भाई चल, हालत खराब हो जाए। अच्छा अच्छा जी के राम सीता राम ओम नमः शिवाय। हेलो भाई ये भोलेनाथ भी है ना, सही जगह बसते हैं भाई। ये पत्थर देखो ऐसे खड़ा है भाई, बहुत बड़ी चट्टान है ये ना केदारनाथ बाबा से बड़ी चट्टान है सर पे, लिख के ले लो आप। हाँ भाई देखो वो वहाँ से स्टार्ट हो रही है, वहाँ से आ रहे हैं हम। हाँ चल भाई 559 देखो अब कितनी दूर है, 596 हो गई ये टंकी। चलिए भाई अब थोड़ा नीचे उतर रहा है। हाँ ये गुफा ये आई थिंक मन्नत हो गया था भाई। हाँ जय श्री राम, 612 नंबर की सीढ़ी पर आ गए। चल भाई जय श्री राम। जय श्री राम भाई। यहाँ से भाई चलो भाई बाबा राम राम। देव भगवान चलो हैं, चल चल नीचे बिल्कुल बैठ के जाना पड़ेगा हैं बिल्कुल। तो बाबा वैसे कितने साल पुराने हैं ये? पुराना तो बहुत है, प्राचीन मंदिर है आज का सिटी। फिर भी कितना वर्ष पुराना होगा? साहब मेरे ख्याल से चीजें चीजें जब कही है। जब कही है? प्रकट है, स्वयं प्रकट। तो यहाँ पे किसी ने तपस्या अवश्या करी थी क्या? तपस्या करी थी गरीबनाथ जी। गरीबनाथ जी, बाबा गरीबनाथ। अच्छा तो उनका जो धाम है वो रोड पे है जो वहाँ पर लाल से वो बन रही है मंदिर सा है ना। लाल दीवार से चारों ओर। हाँ हाँ वो मंदिर। तो उन्होंने यहाँ की तपस्या करी थी। यहाँ तपस्या करके फिर वो मंदिर बना। अच्छा अच्छा अच्छा। तो 300 साल होगी तो। उन्हें को भी। गरीबनाथ जी। तो इतने पुरानी तपस्या तपस्वी हैं। ये तो पुराना मंदिर था। आपको कितने साल हो गए बाबा जी? मेरे को 40-45 साल हो गए। छोटे थे जब ही आ गए थे? हाँ छोटा था। कहाँ के हो आप? ये सीता माता के लिए। अच्छा मैं जाता हूँ। देखो यहाँ से दिख रहे हो भोलेनाथ, दिख रहे हैं आपको से देख। जय प्रभु। दर्शन भी हो गए बाबा के। और ये
शिखर पे हो जा रहे हैं। चढ़िया आप, बहुत बड़ी बात है, जवान लोड़े नहीं चढ़ते। 634। अब इनने इन मिला लो और चोटी पे लगाओ तो। चलो यही है मंदिर, ऊपर तो वो है चोटी का सी। हाँ घूम चाहिए। चल भैया कितना ना भाई, तो कैसा लग रहा हूँ भाई? बिल्कुल ऊपर बड़ा सारा। हाँ अभी हम पत्थर है ना उसके ऊपर चोटी जो बनाई है उस पर जा रहे हैं। देखो कैसे बनी हुई मसाले। ओके को एंड करने का समय आ गया है। चोटी पर हूँ अभी और ये थे भगवान कैलाशपतिनाथ भोलेनाथ, यहाँ विराजमान है। तो राम राम से सभी को, खम्मा गणी से राजस्थान, मेरा देश मेरा भारत, जय भोले की। डर लग रहा है जब आप ऊपर से नीचे उतरते हो ना, यहाँ पे एक तो नीचे जा रहा है, एक जा रहा है गणेश जी भगवान का रास्ता। छोटा सा मंदिर बना रखा है भगवान भोलेनाथ के पुत्र गणेश जी का, और यहाँ गणेश जी साक्षात विराजमान है। जय हो प्रभु, आपको दर्शन दे दो।